धार जिले के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए लाइन में गाड़ियां पिछले 40 घंटे से लगी हुई है, लेकिन सिलेंडर अभी तक नहीं मिला है। पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र सेक्टर नंबर 2 पहाड़ी पर स्थित इन हर्ट्स कंपनी में पिछले 2 दिनों से ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए बड़वानी, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, मंदसौर और आसपास के कई जिलों से शासकीय अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल की गाड़ियां लगी हुई है। शासन ने इस कंपनी को अधिग्रहित किया था कि यहीं से अब सिलेंडर हर अस्पतालों में पहुंचेगा। वहीं अभी स्थिति बता दें कि पीथमपुर के संजीवनी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों का हाल बेहाल हो रहा है। वहीं के डॉक्टर ने बताया कि 40 सिलेंडर अभी खाली पड़े हैं। 2 बार वहां पर कंपनी के बाहर गाड़ी ले जा चुके हैं, लेकिन अभी तक सिलेंडर नहीं आया। मरीजों की स्थिति बद से बदतर हो रही है। जिला प्रशासन की सांसें फूल गई है कि कैसे इस स्थिति से निपटा जाए। वहीं अपर कलेक्टर ने कहा कि हमारे पास अभी पर्याप्त संसाधन है और ऑक्सीजन की कमी नहीं आएगी। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। कोरोना तो उनको हुआ ही नहीं। कितना मतलब कितने तारीख को बताया था? वहाँ 10 तारीख को भर्ती करा था, फिर 13 तारीख को कोरोना बता दिया। ठीक सर, क्या ऑक्सीजन की क्या स्थिति, जिला प्रशासन ने कितना क्या व्यवस्था करा? कुछ नहीं व्यवस्था सर, बहुत ही बेकार हालत चल रही है अभी तो। आज की कंडीशन में सब जगह कंपनियों में भी फोन लगा दिया, सब जगह लगा दिया सर। मित्तल अप्लायंस ग्रुप, मित्तल कारपोरेट, वहाँ भी पूरी बंद पड़ी कंपनी। ऑक्सीजन तो कुछ भी नहीं मिल रहा, मैं नहीं ऑक्सीजन ही जान है। इंजेक्टेबल तो ठीक है, रेमडेसिविर दूसरा मैटर है, और बिना ऑक्सीजन से तो कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, जो रेमडेसिविर है वो मिल रहा है क्या? वो सर कुछ नहीं मिल रहा, सब लिखे हैं DI वे, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। सब परेशान हो रहे हैं, पेशेंट परेशान हो रहे हैं, कोई कुछ नहीं मिल रहा है। अच्छा, जिला प्रशासन को अवगत कराया था आपने? सब अवगत है सर, सबको पता है सब। क्या बोले और उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोल नहीं सकता सबको। डॉक्टर साहब आपका नाम बता दीजिए। मेरा डॉक्टर दिनेश साहब। ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी की मॉनिटरिंग की जा रही है, उसके लिए संभाग स्तर पर भी कमिश्नर कार्यालय से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, और ये व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही है कि सभी को ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में मिल जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का यूजेज और जो है रैशनलाइजेशन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से ये भी निर्देश दिए जा रहे हैं कि सब रैशनलाइज डिमांड करें और ये रैशनलाइज यूज़ करें। इसके लिए समय समय पर सभी अधिकारी आकर देख भी रहे हैं कि कहीं इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन डाइवर्ट तो नहीं रही हो गई है। प्रयास यही रहेगा कि ऑक्सीजन की कमी कहीं कहीं कुछ लोगों के द्वारा मैम ये जानकारी आ रही है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन होता है कोरोना का, वो कालाबाजारी उसमें काफ़ी हो रही है। जी, धार में अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, और जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं उसके अनुसार ही पेशेंट्स को दिया जा रहा है, और अभी तक कालाबाजारी की कोई ऐसी खबर। मैम, कोई कोविड को लेकर कोई टीम बनाई गई है जो कि पूरे निरीक्षण करेगी? या बहुत सारी टीम्स बनाई गई हैं, विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न टीम्स बनाई गई हैं, परंतु जो मुख्य कंट्रोल रूम है वो जिला चिकित्सालय, जिला CMHO कार्यालय में सेटअप किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।